हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं कॉलेज की यात्रा पर। कोरोना काल के चलते हुए लगभग 5-5.5 महीनों से हम अपने ही घरों में नज़रबंद थे, लेकिन अब कुछ कोरोना का इम्पैक्ट कम हुआ और हमने मन बना लिया कुछ नया देखने का, करने का। घर वालों को मनाने के बाद हम लोग निकल चुके कॉलेज की एक शॉर्ट ट्रिप पर। आज हम आपको इस यात्रा के बारे में, कोलायत के इतिहास के बारे में और कोलायत के अंदर जो जो चीज़ें देखने लायक हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोलायत बीकानेर से 30 मील दक्षिण पश्चिम इलाके में बना हुआ है और कोलायत में इसी नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। कोलायत के अंदर कोलायत नाम की ही एक प्रसिद्ध झील भी है, जिसका नाम कपिल मुनि के नाम पर रखा गया और वहाँ एक कपिल मुनि का आश्रम भी है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लोग कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने आते हैं। पास ही धुनीनाथ का एक अन्य मंदिर भी है। पुष्कर के समान यहाँ के तालाब के किनारे बहुत से घाट और मंदिर बने हुए हैं, जो सघन पिंपल के वृक्षों की शीतल छाया से अचानक। यह जो लोग आपको पैदल चलते रोड साइड दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यहाँ से रामदेवरा के लिए निकले हैं, लेकिन कोरोना के कारण जिला कलेक्टर जैसलमेर ने ये यात्रा स्थगित कर दी। फिर भी इन लोगों का जुनून और श्रद्धा है कि यह लोग निकल चुके हैं। इस पूरे रास्ते इनको कोई भी सेवा नहीं मिलने वाली, यह अपने बलबूते पर इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। इन लोगों के जज्बे को सलाम। आइए हम अपना आगे का इतिहास शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये संत ऋषि कपिल मुनि थे कौन। श्रीमद् गीता भागवत के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन को विभूति का परिचय कराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। वास्तव में भगवान कपिल श्री कृष्ण अथवा विष्णु के पुरातन अवतार थे, जिन्होंने दृष्टि पात्र मात्र से कुमारगामी सागर पुत्रों को भस्म कर दिया था। महाभारत में भी श्री कपिल मुनि का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि श्री कपिल मुनि प्रजापति कर्दम के पुत्र थे तथा उन्होंने माता देहुहति के कोख से अवतार लिया था। ऋषि कपिल मुनि जी का एक और भी नाम है, जिससे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। वो नाम है चक्रधनु। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार राजा नहुष ने अपने घर आए हुए अतिथि त्वष्टा के लिए गाय का कलंबन करने का निश्चय किया, जिसे कि वे वेद समान मानते थे। जब कपिल मुनि को इस बात का पता चला तो उनको यह बात गवारा नहीं हुई। उनके मुख से इतना ही निकला, हा वेद। अभिप्राय है कि वेदों का गलत अर्थ लगाकर लोग मनमाना अनाचरण करते हैं। जब पितामह भीष्म शवशय्या पर लेटे हुए थे तो नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि अनेक ऋषि मुनि उनके पास बैठे हुए थे। इन विशिष्ट व्यक्तियों में कपिल मुनि जी का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त 7 धरणीधर ऋषियों में भी कपिल मुनि का नाम आता है। आज जब पूरा शहर कोरोना के डर में सिमटा हुआ है, तब भी कुछ श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर कपिल मुनि के मंदिर में आए हैं। हालांकि आज उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी हर समय यहाँ 10-12 लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेले के टाइम पे आएँ तो आपको यहाँ पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। चारों ओर यह लोगों से अटा हुआ मानो एक सागर सा प्रतीत होता है। कोरोना के कारण देखो, भगवान के दरबार भी बंद हो गए, फिर तो बाजार और मंडियों का कहना ही क्या।
कभी भक्तों से भरा रहने वाला मंदिर आज यहाँ दरवाजे पर ताले जड़े हैं और पूरा मैदान वीरान सा पड़ा है। यह है कोलायत का प्रसिद्ध कपिल मुनि तालाब। यहाँ कहते हैं आकर नहाने से कई जन्मों के दोष दूर हो जाते हैं और आपका अगला पिछला जन्म संवर जाता है। आइए हम भी अपने अगले पिछले और उसके अगले पिछले जन्म संवार लें और कुछ छींटे पानी के डाल लें। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अभी आप मेरे स्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान ना दें। लॉकडाउन की वजह से अभी मामला अस्त व्यस्त है। एक बार ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब दोबारा सेहत पे कुछ ध्यान देंगे। आपकी आंखों को जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा। आज पहली बार कोलायत को इतना खाली खाली देख रहा हूँ। यह है हमारे नवाबजादे तेजस। यह है हमारे बीकानेर शहर के महान तैराक मनोज कुमार जी। इनको घंटे मारने का बहुत शौक है। पानी के पास जहाँ कहीं ऊंची बड़ी इमारत देखी चढ़ पड़ते हैं और ये गए, ये लीजिए। इन्होंने कोई भी इमारत कोना नहीं छोड़ा जहाँ से इन्होंने घंटा ना मारा। तो दोस्तों यहाँ हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह यात्रा, छोटी सी यात्रा, पसंद आई होगी और आपका सहयोग और प्यार हमें मिलेगा। अचानक से मौसम ने करवट ले ली। जब हम घर से निकले थे काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन अब जाते जाते देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया है और लगभग बारिश होने वाली है। आज काफ़ी समय बाद इतना सुहाना और सुंदर सनसेट देखने को मिला है। अदरवाइज इतना क्लियर सनसेट ना हम लोग नहीं देख पाते। चलिए अब मैं रखता हूँ। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।